बैंकिंग को अच्छा रखना आजकल हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर किसी भी बिजनेस हाउस को काम करना है, किसी भी बिजनेसमैन को अच्छे तरीके से काम करना है, तो उसकी बैंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी विशेष को पूरा करने के लिए अपनी बैंकिंग को अच्छा रखना पड़ता है। बहुत सारे घरों में ये पाया गया है या बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में जब हम लोग ये देखते हैं कि किसी की बैंकिंग खराब हो गई है, किसी की EMIs बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही हैं, या किसी का सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो वो व्यक्ति एक डिफॉल्ट बैंकिंग की कैटेगरी में आ जाता है, जिसको आगे के लिए बैंकिंग में इश्यूज आ सकते हैं। आपकी लाइफ में आपको बैंकिंग के इश्यूज से बचाने के लिए वास्तु के आधार से हम क्या कर सकते हैं? वास्तु के आधार से जो बैंकिंग का जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन है बैंकिंग का जोन। आपको अपना नॉर्थ वेस्ट जोन बड़ा ही साफ सुथरा सशक्त रखना चाहिए। यहां पर आपको देखना चाहिए कि कोई भी एंटी एक्टिविटी एंटी एलिमेंट ना आ जाए। जैसे कि अगर यहां पर एक वॉशरूम आ जाता है, तो उन घरों में देखा गया है कि उस जगह पे वॉशरूम होने के कारण उस बिजनेस हाउस की या उस घर में रहने वाले लोगों की बैंकिंग खराब हो गई है। अगर उन्होंने कोई भी चीज लोन पर ली हुई है तो उसकी EMIs जनरली उनकी ब्रेक होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि उनके लिए भी एक चिंता का कारण बन जाता है। उसके बाद अगर वहां पर एक वॉशिंग मशीन आ जाती है, वो भी आपकी बैंकिंग की एक्टिविटी को खराब कर देती है। अपनी बैंकिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको अपना नॉर्थ वेस्ट जोन संतुलित करके रखना चाहिए। और बिजनेस हाउसेस, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, जिन लोगों की बिजनेस के रिलेटेड लिमिट्स चलती हैं, जिन लोगों को लोन्स की जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए, उन लोगों को अपनी बैंकिंग सशक्त करने के लिए और अपनी बैंकिंग के घोड़े दौड़ाकर रखने के लिए अपने घर पर या अपनी बिजनेस प्लेस पर फ्लोर पर एक वाइट पेयर ऑफ हॉर्सेस को जरूर प्लेस कर लेना चाहिए। अब वाइट पेयर ऑफ हॉर्सेस को जब वो नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करते हैं फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो उनकी बैंकिंग के घोड़े सशक्त होने शुरू हो जाते हैं, तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी लाइफ में जो भी बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर इस प्रयोजन को करके हम लोगों ने ये पाया कि जिन लोगों की लिमिट्स बहुत सालों से उतर ही नहीं रही थी, जिन लोगों के लोन्स वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, उनकी बैंकिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। उनके पास अपनी मेहनत से किसी तरीके से पैसा आना शुरू हो जाता है, जिससे उनका कर्जा उतरना शुरू हो जाए। उन्हें अगर अपनी बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स को अच्छा रखना है, अगर अपनी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को अकाउंट स्टेटमेंट्स को अच्छा रखना है, तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनका नॉर्थ वेस्ट बैलेंस्ड हो। और अगर हम वहां पर एक पेयर ऑफ वाइट हॉर्सेस को प्लेस कर देते हैं तो उनकी बैंकिंग और मजबूत हो जाती है और सशक्त हो जाती है, जिससे उन्हें कार्य करने में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में कार्य करने में और आसानी रहती है और मजबूती मिलती है।